बहुत लोग ऐसे हैं जो RBL बैंक के गिरावट को देखने के बाद उसमें निवेश करना छोड़ दिए हैं, इसमें इससे दूर रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं RBL बैंक के बारे में, बहुत ही डीप डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। आपने तो सुन लिया दोस्तों कि हमारे YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि एक दिन पहले ही बता दिया जाता है? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जब मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पर, ये वीडियो में मैंने बोला था SBI और RBL बैंक को ख़रीद लीजिए, अब उगलेगा सोना करके। ये वीडियो मैं पहली बार बनाया था, उस टाइम RBL बैंक का प्राइस कितना चल रहा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट प्राइस दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको चाहता हूँ कि आपको डेट दिखा दूँ। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, ये डेट दिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर देखिए, जब मैं ये वीडियो अपलोड किया था तो 12 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, और साफ साफ क्या लिखा था दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा था SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और RBL बैंक अब उगलेगा सोना करके। तो RBL बैंक का देखिए यहाँ पर मैं आपको, हाँ RBL बैंक यहाँ पर देखिए कितना प्राइस चल रहा था अराउंड, देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए दोस्तों RBL बैंक का प्राइस अराउंड 266 चल रहा था, 266 चल रहा था दोस्तों। और उस टाइम देखिए RBL बैंक का मैंने बताया था कि इसका प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है, आप खरीद सकते हैं। देखिए जब मैंने, देखिए साफ साफ मैंने वीडियो के ऊपर भी लिख दिया था कि SBI और RBL बैंक अब उगलेगा सोना करके, ये मैंने पहले वीडियो बनाया था। तो 266 के प्राइस से यहाँ पर देखिए, जब मैंने ये पहला वीडियो बनाया था दोस्तों, यहाँ 266 इधर था स्टॉक। उसके बाद स्टॉक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखा गया और बहुत लोग जो हैं दोस्तों वहाँ से इंटरेस्टेड हुए और हमारे सर्विस को लिए। लेकिन दूसरे बार बहुत लोग ये भी पूछना स्टार्ट कर दिए कि अब क्या करें RBL बैंक को, क्या फिर से खरीदारी कर सकते हैं? तो देखिए मैंने फिर से वीडियो बनाया था, उसमें SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और RBL बैंक के बारे में बताया था। यहाँ पर देखिए इस वीडियो में मैंने RBL बैंक और QUESS ग्रुप के बारे में बताया था। ये वीडियो देखिए मैंने 5 डेज पहले अपलोड किया था, और चलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करके बताऊँगा कि मैंने RBL बैंक खरीदने को बोला था कि नहीं और कितने प्राइस पर बोला था। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको फिर से यहाँ पर डेट दिखा देना चाहता हूँ प्रूफ के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ये है, देखिए 4 नवंबर को मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था और बताया था आप लोगों को, मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए आपके सामने वीडियो प्ले हो रहा, और आज भी बोल रहा हूँ दोस्तों, जो लोग ये स्टॉक में फंसे हुए हैं या जो भी है दोस्तों, जो अपना बस नजरिया और लंबा कर दीजिए, पैसा और देखिए प्रॉफिट के साथ निकलेगा। देखिए तो देखिए मैंने क्या बोला दोस्तों, जो लोग आज के डेट में भी फंसे हुए, मतलब आज का जो करेंट प्राइस यहाँ पर चल रहा है, एक बार और थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ, एक मिनट, देखिए मैंने क्या बोला, जो लोग आज भी फंसे हुए, मतलब दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया, और देखिए ये वीडियो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो स्किप किया है वो दोस्तों पहले से ही उस स्टॉक के बारे में बता रहा था। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और स्किप करके बता देता हूँ, देखिए और उसके बाद दोस्तों जिस दिन मैंने बोला था उसका थोड़ी थोड़े मतलब एक दो दिन बाद ही दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा डिक्रीज भी हुआ था, 260 के आसपास गया था दोस्तों इसका प्राइस, 260 के आसपास मैंने बोला था दोस्तों 66 पे। ये देखिए दोस्तों वीडियो के अंदर में ये प्ले हो रहा है। ये मैं इसलिए, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो के अंदर वाला मत दिखाया करो, देखिए ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है या सर्कस नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को नॉलेज दिया जाता है और यहाँ पर देखिए आपको बताया जाता है, फाइनेंशियल डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोगों को समझना है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। तो देखिए ये वीडियो के अंदर में वीडियो दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो इसमें मूवमेंट आया गिरने के बाद दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 300 को इसने जो है टच किया, 300 को टच करने के बाद देखिए जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए 264 प्राइस चल रहा है। देखिए मैंने जब ये एप्लीकेशन यूज़ किया था, देखिए ये मैं आप खुद चला रहा हूँ जहाँ तहाँ लेकर जा रहा हूँ, ये देखिए ये फर्स्ट वाला है मोबाइलाइज, फिर ये देखिए मोबाइल, तो ये दोस्तों 3 एप्लीकेशन, तो ये तीसरा वीडियो में आप देख रहे हैं, वीडियो के अंदर वीडियो है ये दोस्तों 300 के ऊपर भी गया। और आज फिर से मैं दोस्तों, ये वीडियो तो बहुत पहले बना दिया था, यहाँ देख सकते हैं डेट 20, यहाँ देखिए 12 अक्टूबर को बनाया था, क्योंकि दोस्तों ये है पर, तो देखिए ये मैं वीडियो के अंदर में वीडियो बता रहा हूँ, देखिए 12 अक्टूबर, मार्केट और आज भी बोल रहा हूँ, और ये वीडियो स्टार्ट किया मैं आज, जब करेंट प्राइस देखिए उसका बाद मैंने 260 पे बताया था, उसका जब प्राइस इंक्रीज होने के बाद फिर मैंने बताया 300 के प्राइस पे बोला था कि आप लोगों को यहाँ भी खरीदारी करना है, यहाँ जो लोग खरीद के फंसे हैं उनका पैसा डूबेगा नहीं। देखिए दोस्तों जो लोग ये स्टॉक में फंसे हुए हैं या जो भी है दोस्तों, जो अपना बस नजरिया और लंबा कर दीजिए, आपका पैसा और देखिए प्रॉफिट के साथ निकलेगा। देखिए एक दो दिन में कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, एक दो दिन का, तो देखिए मैंने क्या बोला दोस्तों, और भी नजरिया लंबा कर दीजिए और भी प्रॉफिट के साथ निकलेगा, मतलब पहले भी और आज के डेट में देखिए।
स्टॉक का करेंट प्राइस अभी देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले मैंने 266 पे बताया, फिर दोस्तों 300 के प्राइस पे बताया, आज देखिए 323 के प्राइस में है। और यहाँ देखिए 32 का ये जो हाईएस्ट भी गया था दोस्तों, एक मिनट कॉल आ रहा था, देखिए 32 का हाईएस्ट भी गया था दोस्तों यहाँ पर। तो ये है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट दोस्तों, जहाँ पर आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। और जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीएल बैंक बनाया था, जब दोस्तों ये दूसरा वीडियो मैंने बनाया तो आरबीएल बैंक और क्यूईड वाले स्क्रोप के बारे में बताया। देखिए इसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा कि इसका प्राइस मैंने कहाँ बताया था और कितना इंक्रीज हो चुका है। तो देखिए दोस्तों ये है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। अगर अभी भी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आगे आने वाली वीडियो में मैं फिर से बताऊंगा कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, लेकिन दोस्तों ओनली फॉर डेमो के लिए, सैंपल के लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके इंक्रीज भी कीजिएगा। अब लोग पूछना चाहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए आरबीएल बैंक में, क्या अब इसमें अब भी पैसा बनेगा या नहीं बनेगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, ये अराउंड थोड़ा सा और जो है 20-30 पॉइंट का जो है मूव दे सकता है, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों 20-30 पॉइंट का मूव दे सकता है। बिलो 400 दोस्तों, बिलो 380 के आसपास जो है, इधर 380 के आसपास जो है रहेगा। तो यहाँ पर आप अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इंटेंशन के साथ रहते हैं, जैसे मैंने हर एक वीडियो में आप लोगों को बताया, तो आप इसमें इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हैं। और अगर आपको सर्विस चाहिए तो ये देखिए हमारा सर्विस का नंबर है, ऊपर वाला परमानेंट व्हाट्सअप का नंबर है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों, हालांकि आप दोनों नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको सर्विस चाहिए तो दोस्तों इससे भी अच्छा और बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाया जाएगा। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को प्रॉफिट भी दिखाया कि कितना मैं प्रॉफिट निकाल के देता हूँ। देखिए ये यूट्यूब अलग है दोस्तों, इसमें आपको सैंपल के लिए बताया जाता है, हमारे सर्विस अलग है, वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिखाया जाता है। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले चैनल में फिर से हम आने वाले वीडियो में बताएंगे कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, एज ए डेमो पर्पस के लिए। रियल तो दोस्तों सर्विस में दिया जाता है।